महाराष्ट्र में बढ़ गया 15 दिनों का लॉकडाउन, सीएमओ कार्यालय ने दी जानकारी। महाराष्ट्र में 15 मई तक जारी रहेगी सारी पाबंदियां, सीएम ठाकरे ने सभी जिला अधिकारियों की बैठक के बाद लिया फैसला। सांसद संजय राउत ने केंद्र से कोरोना महामारी की राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की। लॉकडाउन को लेकर सख्त हुई मुंबई पुलिस, कांदिवली में किया फ्लैग मार्च, नागरिकों से बाहर न निकलने की अपील। भारी संख्या में दुकानें बंद कराने पहुंची पुलिस, लॉकडाउन का सख्ती से करा रही है पालन। कांग्रेस के नेता और राजस्व मंत्री बालासाहेब थोरात ने 1 साल का वेतन मुफ्त वैक्सीनेशन के लिए दिया दान, कांग्रेस के सभी विधायक देंगे 1 महीने का वेतन। मुख्यमंत्री राहत कोष में महाराष्ट्र कांग्रेस कमेटी देगी 5 लाख रुपए, सहकारी संस्थाओं के 5,000 कर्मचारियों का मुफ्त वैक्सीनेशन कराएगी कांग्रेस। महाराष्ट्र में कोरोना का तांडव, एक दिन में 771 लोगों ने गवाई जान, वहीं 66,159 नए मामले आए सामने। डबल सीट बाइकर से 200 रुपए वसूला गया जुर्माना, मीरा रोड के हाईवे पर मनपा के नाम पर पुलिस की कार्रवाई। मीरा भाईंदर के पुलिस आयुक्त सदानंद दाते ने सही ठहराया पुलिस की कार्रवाई को, उन्होंने कहा मीरा भाईंदर मनपा ने पुलिस को जुर्माना वसूलने के लिए अधिकृत किया है। मुंबई में नेस्को टीकाकरण केंद्र के बाहर देखी गई लोगों की लंबी कतार, सीएम उद्धव ठाकरे ने टीकाकरण अभियान पर आज की बैठक। आईपीएस रश्मि शुक्ला को मुंबई पुलिस ने फिर भेजा सम्मन, 3 मई को जांच के लिए पेश होने का दिया निर्देश। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ आदार पूनावाला को दी जाएगी वाई प्लस सिक्योरिटी, गृह मंत्रालय ने दिया आदेश। नवाब मलिक ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कहा केंद्र कर रहा है महाराष्ट्र के साथ अन्याय। महाराष्ट्र में वैक्सीन की कमी के चलते 1 मई से नहीं होगा 18 से ज्यादा उम्र वालों के लिए टीकाकरण, महाराष्ट्र सरकार ने लिया फैसला। वैक्सीन की कमी पर भाजपा नेता प्रवीण दरके ने कहा महाराष्ट्र सरकार ने केंद्र को समय पर नहीं दिया ऑर्डर, इसलिए वैक्सीन की हो रही है कमी। मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमवीर सिंह और डीसीपी पराग मनेरे समेत 33 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज, महाराष्ट्र के अकोला कोतवाली में दर्ज हुआ मामला। महाराष्ट्र का 1 मई को 61वां स्थापना दिवस सादे तरीके से मनाया जाएगा, शनिवार को है महाराष्ट्र दिवस। जारी अधिसूचना के मुताबिक सभी जिला मुख्यालयों में सुबह 8 बजे होगा ध्वजारोहण। मुंबई में बीकेसी जम्बो कोविड सेंटर में वैक्सीन लगाने के लिए दिखी लोगों की लंबी कतार, अगले 3 दिनों तक मुंबई में नहीं होगा वैक्सीनेशन। बीते 24 घंटों में मुंबई में कोरोना के 4,192 नए मामले आए सामने, शहर में अब 87,698 मरीज सक्रिय। मुंबई में नहीं गिर रहा है कोरोना से मरने वालों का ग्राफ, पिछले 24 घंटों में 82 लोगों ने गवाई जान। संजय राउत ने कहा कि कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप के कारण देश की अर्थव्यवस्था के साथ ही सामाजिक एवं राजनीतिक तंत्र भी ढह रहा है, इससे देश पीछे चला गया। सोनू सूद ने एक बार फिर जीता लोगों का दिल, 100 करोड़ की फिल्म का हिस्सा बनने से ज्यादा लोगों की जान बचाने से मिल रहा है सुकून। देश में फूटा कोरोना बम, बीते 24 घंटे में कोरोना के 3,89,257 नए मामले आए सामने। बीते 24 घंटे में देश में कोरोना के 2,69,507 मरीज हुए ठीक, जबकि कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 30,84,814 पहुंच गई।